हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज की वीडियो में मेरे पास आप सभी के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है रिलेटेड टू इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अपनी पहली न्यूज है गाइस मैक्सटन को लेके। तो गाइस मैक्सटन इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसके अंदर नीचे उन्होंने ये लिखा था कि गोना मीट समवन ग्रेट हैशटैग कमिंग सून। तो देखते हैं गाइस मैक्सटन किससे मिलने वाले हैं, किससे वो कोलैब करने वाले हैं। अपनी अगली जारी गाइस टोटल गेमिंग को लेके। तो गाइस जिसको नहीं पता मैं आप सभी को बता दूं, टोटल गेमिंग फ्री फायर गेमिंग कम्युनिटी के सबसे बड़े क्रिएटर है। तो गाइस टोटल गेमिंग को 20 फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है। तो लेट्स सी कि टोटल गेमिंग का चैनल को वो 20 फेक कॉपीराइट स्ट्राइक से कैसे बचाते हैं। अपनी अगली जारी गाइस इंडियन गैम्बलिंग कंपनीज को लेके। तो गाइस एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि जो इंडियन गैम्बलिंग कंपनीज है उन्होंने अप्रोच करी है और ये बोला है कि उनको इंडियन ई स्पोर्ट्स में कंसिडर किया जाए। अब ये गैम्बलिंग कंपनीज ने ऐसा सोच भी कैसे लिया है तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। बाकी आप सभी को क्या लगता है कि इनको ई स्पोर्ट्स में कंसीडर करना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपनी अगली जारी गाइस मॉडल ओएस वाइपर स्काउट को लेके। तो गाइस ये चारों के चारों फीचर हुए थे न्यूज़पेपर के अंदर और इनकी अर्निंग के साथ इनके बारे में न्यूज़पेपर के बारे में आया था वो क्या कुछ पोस्ट आया था वो आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर भी देख ही सकते होंगे। अपनी अगली जारी गाइस गोल्डी भाई को लेके। तो गाइस मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो ट्विच है वो इंडिया के अंदर आने का प्लान कर रहा है और उसके कुछ सर्वर्स भी देखे गए हैं। तो गोल्डी भाई से पूछा कि आप ट्विच पे स्ट्रीम करोगे क्या, तो गोल्डी भाई ने बोला कि अगर ट्विच पैसा देगा तो वो बिल्कुल वहां पे जाके स्ट्रीम करेंगे। अपनी अगली जारी गाइस रौनक को लेके। तो गाइस रौनक से जब वो लाइव थे तो उनसे पूछा गया कि उनकी ऑक्सीजन ई स्पोर्ट्स में क्या उनकी लाइनअप है। तो रौनक ने बोला कि अभी उनकी कोई भी लाइनअप नहीं है ऑक्सीजन ई स्पोर्ट्स में, सिर्फ वो अकेले हैं अभी ऑक्सीजन ई स्पोर्ट्स में। अगर पबजी मोबाइल आ जाता तो अब तक वो लाइनअप बना चुके होते। तो गाइस देखते हैं कि रौनक की क्या लाइनअप होने वाली है जब पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर आ जाता है। अपनी अगली जारी गाइस जोनाथन को लेके। तो गाइस जोनाथन ने इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया कि 1 मार्च से वो वापस यूट्यूब पे स्ट्रीम करने वाले हैं और उन्होंने ऐसा लिखा कि टपाटप। और गाइस टपाटप से तो ऐसा लग रहा है कि वो पबजी मोबाइल ही खेले वाले हैं। तो लेट्स सी कि अगर पबजी मोबाइल जब तक इंडिया के अंदर आ जाता तो वो खेलते हैं या फिर पबजी मोबाइल का वो दूसरा वर्जन खेलते हैं। लेट्स सी कि 1 मार्च को जोनाथन कौन सा वर्जन खेलते हैं पबजी मोबाइल का। अपनी अगली जगह गाइस रेगल्टोस थग और मांबा को लेके। तो गाइस इन सभी की तीनों की इंस्टाग्राम स्टोरीज देख के ऐसा लग रहा है कि इन तीनों के बीच में कुछ अनबन हुई है। तो गाइस ये मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा, स्टोरीज देख के ये लग रहा है। मैं आप सभी को इनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज पढ़ के बताता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनके बीच में कुछ हुआ है या नहीं। तो गाइस रेगल्टोस पहले एक स्टोरी डालते हैं थग को टैग करते हुए ये लिखते हैं कि 1 साल पहले और अब टाइम चेंज करता है सब। फिर थग इसको रीपोस्ट करते हुए ये लिखते हैं कि कुछ लोग विश्वास करते हैं कुछ गदर समझते हैं। और फिर उन्होंने SA12 के कुछ मेंबर्स को टैग किया। और फिर मांबा गाइस एक स्टोरी डालते हैं जिसमें मांबा ने लिखा कि कुछ लोग को हमने सबसे ऊपर रखा पर उन्होंने हमें हमेशा बुलाया। तो ये तीनों की थी स्टोरीज कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि ये किसी और थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत कर रहे हो, आपस में बातचीत नहीं कर रहे हो। आप सभी को क्या लगता है गाइस मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अपनी अगली जारी गाइस घातक को लेके। तो गाइस घातक से पूछा गया पबजी मोबाइल की डेट के बारे में। तो घातक ने बताया कि उनको अभी कुछ भी नहीं पता पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में, जैसे उनको कुछ पता चलेगा वो तो कुछ ना कुछ तो हिंट दे ही देंगे। अपनी अगली जारी गाइस वो भी घातक को लेके। तो गाइस घातक ने बताया कि लोको के बारे में। घातक ने बोला कि अगर कोई भी स्ट्रीमर 1 महीने स्ट्रीम करता है लोको पे और उसके 3000 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको 50,000 रुपीज मिलते हैं, नो मैटर आप बड़े एक इन्फ्लुएंसर हो या एक छोटे इन्फ्लुएंसर हो। तो गाइस अगर आपको स्ट्रीम करना है तो आप लोको पे जाके स्ट्रीम कर सकते हो। जारी गाइस डायनामो को लेके। तो गाइस डायनामो ने बताया कि वो अभी दिल्ली गए थे किसी काम से और उसका उन्होंने व्लॉग भी शूट किया है। उनके मेन चैनल पे और डायनो व्लॉग्स चैनल पे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो अगर आपको देखना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अपने अगली जारी गाइस 420 को लेके। तो गाइस 420 ने अपडेट दिया कि वो अभी बॉम्बे जा रहे हैं किसी काम से। यही थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़। में उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत ज़रा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।